हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको बोला गया है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। बच्चे क्वेश्चन में पहले आप यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन बनाइए। ये है आपके पास ईस्ट और ये है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, गर्ल जो है वो वॉक कर रही है टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ उसने वॉक किया 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, ए पॉइंट ले लीजिए। फिर गर्ल ने वॉक किया नॉर्थ की तरफ ईस्ट की डायरेक्शन में, ये नॉर्थ की तरफ आ गया, ईस्ट की डायरेक्शन ये आ गया आपके पास। ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल वहाँ पे बन रहा है और 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने। ठीक है, ये बी पॉइंट ले लिया आपने। फिर आपको बोला गया है उसी गर्ल की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ओरिजिन से जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा था इनिशियल पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मतलब कि आपको ओ बी फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ओ बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्राइंगल लॉ से आएगा बेटा इसका आंसर ओ बी। तो उसके लिए आपको ओ ए ए बी वैक्टर चाहिए। ओ ए तो आपके पास आ गया, इस साइड की डायरेक्शन है तो -4i। ए बी कैसे फाइंड होगा बेटा, ए बी वैक्टर आपने फर्स्ट वीडियो इसकी देखनी है ज़रूर मिसलिनियस की। यहाँ पे हमारे पास 30 है तो ये 60 है। ठीक है, यहाँ पे आपने सीखा था फर्स्ट वीडियो में, ये एक्स है ये वाई है, मतलब एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे पी के पॉइंट एक्स और वाई होंगे और ये अगर एंगल है आपके पास, अब 60 एंगल है अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर है वो होता है 1। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड है वो गिवन है आपको 3 इसने डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे बेटा ओ पी इतना जो डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस है क्या आता है यहाँ पे, कॉस, यहाँ पे जो एंगल है बीच वाला ये 60 और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर आता है तो वो 3 है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे ओ वाई का डिस्टेंस है वो कितना आता है आपके पास, साइन 60 और जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो। ठीक है, मतलब ओ पी जो वैक्टर आपके पास बन गया वो क्या आएगा, 3 cos 60i प्लस 3 sin 60j। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट होता है एक्स आई वाला और यहाँ पे होता है जे वाई जे वाई जे, एक्स और ये वाई ये आपके पास आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे ए बी वेक्टर बना ये, तो 3 cos 60i प्लस, इसको इरेज करी मैं, अगर आपको कंप्लीट समझ नहीं आया बेटा तो वीडियो को रिवर्स करके देखना। ठीक है, ये 3 sin 60j। ओके, ये आ गया। अब इसको फाइंड कर लेते हैं, cos 60 क्या होता है, 1/2 और आपके पास यहाँ पे है 3 sin क्या है 60, √3/2j, तो ये आ गया 3/2i प्लस 3√2j। ठीक है, ये आ गया। अब बाय ट्राइंगल लॉ से आप करेंगे, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पे आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ये आ जाएगा ओ ए है -4 प्लस 3/2i प्लस 3√3/2j। अब बच्चे इनके स्केलर कंपोनेंट दोनों प्लस हो जाएंगे, अब ये एलसीएम ले लेंगे, 4 2 8 में से 3 गया -5/2i प्लस 3√3/2j, तो ये आ गया आपका ओ बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको क्या बोला गया, यहाँ पे इसमें बोला गया है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले तो आप क्या बोलेंगे, नो,
ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटा एग्जांपल लेके चलेंगे, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। तो ये साइड ले लेंगे आप इसकी, ए बी और सी, ओके। हमारे पास जो टू साइड की लेंथ होती है वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन होती है थर्ड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रीज़न यही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। बिकॉज आप लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज लेंथ ऑफ वन साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। इसका ये रीज़न लिख देंगे, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी बिकॉज लेंथ ऑफ वन साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ए जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमेशा लेस देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ओके बेटा। तो आप लिखेंगे, हैंस इट इज नॉट ट्रू, ओके। ये आंसर आ गया आपका। अब आपको क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया गया है, बोला गया है ये यूनिट वेक्टर है, आपको लेंथ फाइंड करनी है एक्स की। क्वेश्चन नंबर 5, आपको वेक्टर दिया गया है एक्स आई प्लस जे प्लस के, ये आपको दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब कि ये यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इट मीन्स बेटा आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स एक्स आई हो गया आपके पास, ये एक्स जे हो गया प्लस एक्स के हो गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास और 1 के इक्वल है ये। तो इट मीन्स हमारे पास अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, यूनिट वेक्टर में आपके पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड ही आता है ना इसके, तो स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अब प्लस माइनस ये आ जाएगा 1 बाय रूट 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ओके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।